Assalamualaikum friends, my name is Arsalan Aslam and this is my channel Technical Information. Friends, if you haven't subscribed to my channel, then first of all, subscribe to my channel. करते हैं आज एक ऐसी एप्लीकेशन के साथ जहां आप अगर कोई तस्वीर वगैरह सेलेक्ट करते हैं तो वो सर्च करके आपको फौरन बता देगा कि ये किसका चेहरा है, कौन है ये। तो हम चलते हैं सबसे पहले प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद हम यहां पर सर्च करेंगे व्यू, आप ये नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहां पर ये सबसे पहली एप्लीकेशन शो हो रही होगी। आप इसे ओपन कर लें तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए मेरे पास ओपन का ऑप्शन शो हो रहा है। आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन शो होगा तो आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है। आप देख सकते हैं कि 4.5 की रीडिंग है जो कि बहुत ही अच्छी रीडिंग है। तो चलिए आइए इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के वक्त दोस्तों यहां पर आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा, आपने वो परमिशंस दे देनी है इसे। मैंने कुछ परमिशंस ऑलरेडी दी हुई है, आपने तमाम परमिशंस इसे दे देनी है। तो भाई दोस्तों अब हम चलते हैं, मेरे पास गैलरी में तो कोई इमेज सेव नहीं है तो इंटरनेट पर सर्च करते हैं। आई मींस CM okay, back Google। तो दोस्तों हम यहां पर सर्च करेंगे मिसाल के तौर पर अक्षय कुमार। ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास साइड पर इसी फूड व्यू का एक ऑप्शन शो हो रहा है। इसके लिए हम पिक्चर का चेहरा सिलेक्ट करते हैं तो मैं यहां से अक्षय कुमार। इसे सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे ऊपर ले की तरफ ले जाऊंगा और यहां पे 1-2 सेकंड रोक के रखूंगा तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगी। तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया है, चलते हैं। जैसे ही आप इसे छोड़ेंगे तो यहां पर ये गोल घूमेगा और यहां पर आपके पास ऐसे ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही आप ये सर्च जी के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको फौरन सर्च करके बता देगा कि ये कौन है, इनका क्या नाम है, इनके बारे में ऑल डिटेल आपको दे देगा। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों इसने बताया कि अक्षय कुमार इनका नाम है, ये इसके बारे में पूरी जानकारी। अक्षय कुमार इन इंडिया बोर्न कैनेडियन एक्टर प्रोड्यूसर। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन इसने दे दी है। इसी तरह से दोस्तों अगर आपके पास कोई इंग्लिश लिखी हुई है, आपको इसका मतलब समझ नहीं आ रहा तो आप इसी से उसे सेलेक्ट करके एनेबल पर क्लिक करें। दोस्तों मेरे पास ओप्पो का मोबाइल है, शायद इसमें ये परमिशन ऑन ना हो। देख सकते हैं दोस्तों ये परमिशन ऑन नहीं हो रही, आपने ये परमिशन अपने मोबाइल पे आपके पास ऑन हो जाएगी। तो आप जैसे इसे सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर एक और छोटा सा ट्रांसलेशन का ऑप्शन शो हो जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो फौरन इसका उर्दू हिंदी यानी कि जिस लैंग्वेज में भी आप करना चाहें ट्रांसलेट कर देगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।